बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास, आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर लेसन नंबर 1। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 ऑफ लेसन नंबर 1। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन। एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीट आवर पैराग्राफ नंबर 3, सो टुडे वी स्टार्टेड फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4। इन हिज लास्ट एड्रेस, एड्रेस कहते हैं खिताब को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खिताब में या आखिरी खुतबे में, इन हिज लास्ट एड्रेस, अपने आखिरी खुतबे में, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लड शेड। रिवेंज का मतलब होता है बदला, ब्लड शेड का मतलब होता है खून रेजी, खून रेजी का बदला, खून रेजी, खून रेजी का बदला। एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस जहालत, कस्टम रवाज, जहालत के दिनों में रवाज था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, खून रेजी का इंतकाम इस्लाम से पहले जहालत के ज़माने में रवाज था। बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले। इस फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है मना कर देना, ममनू करार दे दिया गया। मना करना वैसे फॉरबिडन का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे आप लफ्ज़ लिखेंगे ममनू, ममनू करार दे दिया गया। I forgive those who murder my cousin, मैं उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे कज़न को कत्ल किया। मर्डर्ड, कत्ल करना। इब्ने रबिया, इब्ने रबिया, मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे चचाज़ाद इब्ने रबिया को कत्ल किया। हज़रत अंस बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेट, हज़रत अंस बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह फॉर 10 ईयर्स, मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Never objected to anything I said or did. He never objected. आपने कभी नहीं, never का मतलब होता है कभी नहीं, objected, एतराज़ किया, to anything, किसी की बात पर, I said or did, जो मैंने कहा और मैंने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरी कही हुई किसी बात या किए हुए किसी काम पर एतराज़ नहीं किया। We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our Rasul sallallahu alaihi wasallam. हम एक मुसलमान होने की हैसियत से, as का मतलब होता है हैसियत से, हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार मिसालों, बुर्दबारी की शानदार मिसालों की पैरवी करनी चाहिए। वर्ड है शुड, SHOULD, शुड का मतलब होता है चाहना। वी एज मुस्लिम्स शुड फॉलो, हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से पैरवी करनी चाहिए, द नोबल एग्जांपल ऑफ द टॉलरेंस, बुर्दवारी की शानदार मिसालों की, ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। द डेट्रियोरेशन, डेट्रियोरेशन का मतलब होता है बिगाड़, खराबी पैदा करना। द डेट्रियोरेशन एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेलिंग, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट प्रिवेलिंग, लड़ाई झगड़ा, डेट्रियोरेशन एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेलिंग, बिगाड़ और लड़ाई झगड़ा इन द सोसाइटी, मुआशरे में, इज़ ड्यू टू लैक ऑफ टॉलरेंस, LAC के लैक,
बुर्दबारी की कमी की वजह से था। बिगाड़ और लड़ाई झगड़ा जो मुआशरे में आम हुए हैं वो बुर्दबारी की कमी की वजह से हैं। दिस मैनेंस कैन ओनली बी क्योर्ड बाय द फॉलोइंग। अच्छा, मैनेंस का मतलब होता है लानत, लाम ऐन नून ते लानत। ये लानत सिर्फ इसी तरह से ख़त्म की जा सकती है या इस लानत का सिर्फ इसी तरह से इलाज किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द नोबल एग्जांपल सेट बाय आवर बिलव्ड रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉलोइंग पैरवी करना, नोबल एग्जांपल्स शानदार मिसालों की सेट कायम करना जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। हम इस लानत पर सिर्फ़ अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा अजीम मिसालों की पैरवी करते हुए ही काबू पा सकते हैं। क्योर्ड का मतलब इलाज भी, और यहाँ पे आप मतलब इसका बनाएंगे काबू पाना। सो वी हैव कम्प्लीट आवर रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 1 एंड नाउ we are going to start our copy work as I have said in my last lecture. So open your copies of National Public School. This is it. I have my own copy. You all have your own copies. So open page number page and सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पेज रेडी करना होता है लेसन का, तो लेसन का पेज रेडी करना वैसे तो आप सबको आता है पर मेरे साथ साथ आप लोग भी करेंगे। So firstly we are going to draw a margin line over the page. Make it double, it looks beautiful. So after that you have to write lesson number 1 like this. And what is the name of our lesson? Tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Write it over there. Here it is. I have write the name of the lesson. Next is our detail of the lesson, as you all know. What is including in this detail? क्या क्या होता है detail में? We have write. First we have done the words meaning, so we write it over there. Words meanings. Try to do your work with your ink pen. This is important. I have my ballpoint, so I have to do this work. Words meaning. Then after that, it's words sentences. After that, we have to do the question answers. Question answers. After that, we have to do the exercises of our lesson. And next is going to be our test, but we are not write it over there. Just like this. ऐसे आपने पेज रेडी करना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले लेसन नंबर 1, उसके बाद लेसन का नाम, देन डिटेल, और डिटेल में आपकी चार चीज़ें आएंगी: वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड आवर एक्सरसाइज। सो फर्स्टली जो चीज़ हमने लिखी है वर्ड्स मीनिंग, हम वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं। टर्न नेक्स्ट पेज। आई हैव ड्रॉ द लाइन, मार्जिन लाइन ओवर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द डेट एंड डे। टुडे इज़ 19th June। फर्स्ट यू हैव टू राइट जून 19th 2020, लाइक दिस, एज यू ऑल सी दिस। In between the line you have to write the classwork, and at there you have to write the day, that is Saturday. Today is 20th.
little bit confusion over there. You have to write 20th. Okay, now you write down the topic over there. Topic like this, and after that you have to write in between words meanings, just like that, in a very neat and clean writing. Draw a line in between where is my pencil over yes there's So we have to draw a line in between like this. We are going to write the 12 words meanings. First one is hardship, H-A-R-D-S-H-I-P, hardship, and the meaning of hardship is masaib, Parishani. Next is display, D-I-S-P-L-A-Y, display, and the meaning of display is Muzahira Karna. Next is trouble, T-R-O-U-B-L-E, trouble, and the meaning of trouble is Takleef. Next one, destroy, D-E-S-T-R-O-Y, destroy, meaning of destroy is tabah karna. Next one, recognize, R-E-C-O-G-N-I-Z-E, recognize, and the meaning of recognize is pehchanna. Next one, patience, very easy word, p-a-t-i-e-n-c, patience, sabr. Forbidden, F-O-R-B-I-D-D-E-N, forbidden, mamnu, jisse mana kiya jaye. Murder, M-U-R-D-E-R, murder, katal karna. Next is revenge, R-E-V-E-N-G-E, revenge, badla ya intikam, kuch bhi likh sakte hain. Conquest, C-O-N-Q-U-E-S-T, conquest, fata. Next is socially, S-O-C-I-A-L-L-Y, socially, samaji. Custom, C-O-S-T-U-M, custom, sorry, C-U-S-T-O-M, custom, ravaj. Objected, O-B-J-E-C-T-E-D, objected, aitraz karna, yeah, objected hai, second form hai, so we have write aitraz kiya. Menace, M-E-N-A-C-E, menace, lanat. We have complete our 14 words meaning. The thing you have to do is write down these words meaning like this and no mistake at all. Agar koi mistake hoti hai to aap koshish kare ki aap usko remove kar dein.
So all of you have to know that we have to draw the line over all the words that we have write in marker. So this is it. We have complete our today's lesson. I hope you all learned this very well. Next lecture में आपसे मुलाकात होगी और कल हम जैसे कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे और आप लोगों ने जब जितने दिन हम ये चैप्टर ख़त्म नहीं करते आप लोग कोशिश करें कि इसको साथ साथ याद करते जाएं वर्ड्स मीनिंग को वर्ड सेंटेंसेस को क्वेश्चन आंसर्स को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर रीडिंग रीडिंग का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है एंड एट्थ क्लास जो टेंसेस मैं आपको साथ साथ बताती चली जाती हूँ इनको भी रिकॉल करते जाइएगा कि कैसे कैसे आप लोगों ने इसको ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लेना है सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़.